In

आलमीन ने इरशाद फ़रमाया वलकुम फीहा इला महल्लुहा फ़िरोज मुसम महलू ए तलाती़ महलूाब तिल आती़ इस आयत करीमा की तफसीर हो रही थी और पिछली नशीस में मैंने इस बात को काफ़ी तफसील से बताया है कि महल्लुहा मह्ल के माने यहाँ पर मुफ़रीन ने दो माने मुराद लिए हैं एक माना वो है जिसे हमने तफसील से बयान कर दिया है कि महल्लुन के माने यानी आ, 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 यानी आ, वो मेना मेना का मैदान है मनहर है जहाँ हौ जानवरों को नहर करते हैं जुबाह करते हैं वो मुरादे है। सुमा महल लोहा यानी जहाँ जानवरों को लाकर रुकाया जाता है जहाँ ठहराया जाता है जहाँ उन्हें रखा जाता है और फिर आ, यानी यमु नहर दस दस जुलहिजा को जात जो है उन्हें ज़ुबह करते हैं नहर करते हैं वगैरह तो वो मुराद महल के माने और हाँ की ज़मीन शाइर की तरफ लौट रही है तो फिर शाइर के माने ये होंगे कि जो है वो जानवर अलहदाया जिन्हें हजा जक्राम ले लेकर जाते हैं या उनके लिए ख़रीदा जाता है या उनके लिए जो है लिया जाता है वग़ैरह तो इसका एक माना हो चुका है एक आ, महिलुन का एक और माना है जैसे इन हम आज के इस नशीत में बयान करेंगे वो ये कि अल्लाह तरमायाकुम व लकुम्फ़ी हा मनाफ़ी मुसम महिला तोीक़ महल के यहाँ माने जो बाद ने ली हैं वो ये किहलमहर से यानी एक महरम एक हाजी हालत अहराम से जब निकल जाता है आम लिबास में मलबूस हो जाता है यानी तवाफ़ एफाजा मुराद है इसीलिए अलबैतलतीक का वहाँ पर अलबैत का काबतल का वहाँ पर ज़िक्र हुआ है कि सुमलोलबैतल यानी उसका हलाल होना उसका जो है अहराम के हालत से निकल जाना उसका आम लिबास में आ जाना अतःर जिसे फकहा कहते हैं तो वो तवाफ़ इफाजा मुराद है और वह इसीलिए जो है अलबैत का भी जिक्र हुआ है ये एक दूसरा कौल है इमाम मोहम्मद इबन रहा अपनी तफसीर जामियान फ़ी तवील या नाइल कुरान में आ, अपनी सनत से इस कौल को भी ज़िक्र की हैं जिसे अब्दुलरहमान इब्नजैद इब्न असलम र्ल उन्होंने कहा है इब्न जैद इब्न असलम रहम्ह से मुतल हमने काफ़ी मरतबा कहा है बल्कि उनसे मुतल जब सुन तिरमिज़ी में पढ़ा रहा था तो जो है उन एक एक रावी का जो तर्जमा होता है भैजत रावी उसको मैंने इमला करवाया था लिखवाया था जो फ़िलहाल जो है ऑडियो के शक्ल में यूट्यूब पर मौजूद है तो अब्दुलरहमान इब्न असलम जो बहसत रावी हदीस जयीफ़ है एक सौ बासी जैसे नफात है लेकिन तफसीर के बाद में आपकी नकूलात कसरत से जो है पेश किए जाते हैं अब्दुलरहमान असलम इब्बीअसम कहते हैं कि सहलू अल्बैत आतीक का आपना आपने दूसरा माना लिया उन्होंने ये लिया कि एक महरम का एक एक एक, हाजी का हालत अहराम से निकल जाना एक आम लिबास में मलबूस होकर के तवाफ़ इफाज़ा के लिए जो जाता है वो वो मुराद है आपने कहा कि व लकुम्फ़ी हा मनाफ़्याओ का माना यह है कि व लकुम्फ़ी व लकुम्फ़ी हा मनाफिया मनाफिया का शा मनाफ़्या ऐसे आपने कहा व लकुम फ़ी तिल का शा मनाफ्या अशा में तुम्हारे लिए मनाफ़े हैं अशा से इन्होंने क्या मुराद लिया है यानी मनासिकुल हज एक हाजी जो अमूर हज अंजाम देता है सबको जो है शाइर कहा जाता है उससे जब वो खारिज हो जाता है तो गोया कि वो एक बहजत हाजी हज के उमूर अंजाम देते हुए जो फ़ायदा उठाता है ना यानी अल्लाह रब्बालमिन से अजर हासिल करता है और फिर बहुत सारे फ़वाद से वो मुस्तफ़िद होता है तो वो जैसे एयाम हज खत्म हो जाते हैं तो उसके जो इंतफा के जराए हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं ये मकसूद है अब्दुलरहमान इब्लैद इब्न असलम या आपके जो भी हम ख्याल अहिल हैं जो इन्होंने इस तफ़िर में यह बात कही है अब्दुलरहन इब्नजैद इब्न असलम राम कहते हैं कि एजाज़ा बत्ती काम جبه حجك أيام ختم جاتين تو آپ نے کہا کہ إذا ذهبت تلك الأيام لم ترى أحدا يأتي عرفة يقف فيها यब अजर कि जब एयाम हज खत्म हो जाते हैं तो क्या आप किसी को देखते हैं कि जो है मतलब वो अरफात जाता हो और जो है मतलब वूफ अरफा को जो है इख्तियार करता हो और जो है अजर की उम्मीद के लिए वहाँ पर वक़ूफ करता हूँ कोई मुजलिफा में जाके रात गुजारता है हज के अयाम के बाद कि जो है मतलब इस बयात में इस शब बेदारी में मुझे इस शब गुजारी में मुझे जो है अजर मिलेगा या कोई जो है जमारात को जा करके रम वहाँ पर रम करेगा कंकरे मारेगा कि अयाम हज के बाद कि मुझे इस पर अजर मिलेगा ज़ाहिर बात है

उस वक्त है जब तक है आप इफाज़ा ना कर ले। महिल यानी के हवाले से, से, से हमने कल भी गुफ्तु की और आज भी हमने गुफ्तु की कि आपने दोनों अखबाल अपनी अपनी आसानी से लेकर के आए हैं लेकिन दोनों कौल जिक्र करने के बाद आपने इसको मतलब किसी ए, किसी की तरफ अपना मैलान का इजहार नहीं किया है आपने कहा कि इस आयत करीमा में इतनी वसात है कि इसमें अमूम है दोनों चीज़ें आ जाती हैं इसलिए कि कुरान मजीद की जब तफसीर करते हैं तो किसी कलिमे का माना किसी जुमले का माना या किसी आयत करीमा का माना मफहम जो होता है असल के अतबार से अमूम है इस कायदे की तदबी अगर आप देखना चाहते हैं तो इब्न जरियर की तफसीर एक बेहतरीन मजदर है इस बाब के लिए के आयात की तफसर में असल के अतबार से आप अमूम को रखें जब तक कि तखसीस की दलील ना हो जाए इसको बहुत बहुत ज़ोर देते हैं इब्न जलतबर रहा कसरत से इसकी मिसालें मिल जाएँगे आपको तो यहाँ पर भी आपने यही कहा कि फ़माकान अमिन फ़माकान अमिन हदाया फमकान ये जो आयत करीमा है वकुनफिया मनाफ़्या अगर मुनाफे का तल्लु अलबुदन से होदाकानबुदन कहना बुधन उहदियन अगर इसका तल्लुक़ अलहदिय से हो बुधन से हो उन जानवरों से मुतल है जो एक हाजी क़ुरबानी के लिए लेकर किया जाता है अगर फिर वो मुराद है तो कहा कि फ़बी मुफात ही अलहरम फ़िलहरम तो फिर तो वो मैदान मिना मुराद है मनहर मुराद है यह और बात है कि कुल का कुल उस मनहर को यानी हरम कह करके अल के हराम कह करके या अल काबा कह करके या अल अल बैत अल अतीक कह करके कुल मक्का मुराद ले लिया गया है हदूद हरम का पूरा हिस्सा मुराद ले लिया गया है ये इमाम इबर ने कहा कि इस अतबार से यानी वालकुम्फिया मुनाफ्या इला मुसम्मा। शायर अगर बुदन मुराद लेते हैं अल हदाया मुराद लेते हैं अगर उससे मुराद हदाया है उससे मुराद कुर्बानी का जानवर है तो फिर ज़ाहिर बात है उस एतबार से उसका जो आखिरी हिस्सा होगा वो क्या होगा उसकी जो गायत होगी वो क्या होगी सुम्मा महलोहा उसका ताल्लुक है यानी मनहर से अगर जो क्या नुसुक अगर शाइर से जो मुत्ल गुफ्तु हो रही है उससे मुराद अगर नुसुक मुराद है मनासिक लहज मुराद है शाइरुल्लह से मुराद अगर मनासिक लहज है तो फिर इसका लाजम नतीजा ये है कि तवाफ़ इफाज़ा मुराद है जो हाजी का एक आखिरी अमल होता है जिससे वो मुकम्मल तौर तो पर जो है जिससे वो जो है मतलब एक एक हद तक जो है हालत अहराम से निकल जाता है अहराम का जो लिबास है उससे वो निकल जाता है इसीलिए अलबैत का जिक्र हुआ है अगर तोाफ़ा मुराद है जिसे वो हालत एहराम से निकल जाता है तो फिर अलबैत लाआी का जिक्र बहुत ही मौजू है। लेकिन अगर मान लीजिए कि शाहरुला से मुराद वो जानवर हैं तो फिर ऐसी सूरत में ये जुज़ कह कर के यानी कुल कह कर के जुज़ मुराद लिया गया है भले ही मुराद लिया गया है अल हराम भले ही मुराद लिया गया है काबा जो एक जुज है वहाँ पर बुनियादी जुज है लेकिन कुल मुराद लिया गया है जिसकी तफसील हमने कल भी आपके सामने रख दी है एक बात तो यहाँ तक हो गई एक दूसरी बात जो एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि एक, 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 एक इशाल उसका इजाला वो ये है कि काजीब नाअिया रहल्ला उनकी जो तस्रीर है अलमहरजीज़ तेफ़ी फी, फी तफस अजीज़ हमारे पास पाँच जल्दों में है और तफसर कुरतुबी अजाम कुरान अबाबल कुरतबी की हालाँकि ये दोनों उंदलूस के हैं और मकतब फ़िक्र की अगर बात करते हैं तो ये दोनों मालिकी भी हैं या और बात है कि अल्लाह काजीम एहसान है ये ढीठ मुतासर और मुखलद तकलीदी तौर पर जो है मतलब तकलीद जामद के शिकार नहीं हुए हैं बड़े उलमा में से हैं हमारी चौदह सौ सत्रह तारीख में इस बाप की अगर बात करते हैं इस मौजू से मुतल अगर बात करते हैं तो काजीब नवातिया रहमा हालांकि देखो आप काजीब नवातिय रह की तफसीर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि काजीब नवातिया रहमा जो लिखते हैं तकरीबन तकरीबन बातें जो है आप देखेंगे कि अब अब्दुल कुरतुबी भी लिख देते हैं बल्कि कलीमात भी वही होती हैं तरतीब भी वही होती है, है। हु बहू अगर आप शामिल को सामने रखेंगे तो नस्क और नस्क का जो मामला है कापी पेस्ट जैसे कहते हैं आप कुरतुबी से लेकर के अल्फाज डालेंगे तो आपको अजीब नातिया के तफसर से निकल के आएंगे वो बातें क़दीम कदीमा के यहाँ ये हाल ही की जो बात आती है वो एक मस्तिल एक मौजू है उसकी उसकी शक्ल सूरत क्या है उसकी तरतीब क्या होती है वगैरह वो किस भी बताएँगे इन शाह तो उसी एतबार से ये सब चीज़ें सामने आती हैं बहरहाल मैंने इसीलिए दोनों लमा का मैंने हवाला दिया है कि काजिब नातिया भी और अबू आब्दी कुरतुबी भी, भी रहा अजमाइन इन दोनों असहा इस आयत करीमा की तफसर में दूसरा कौल ही जिक्र की है वो ये हैं कि शाह से मुराद मनासिकहज ही हैं लेकिन एक बात आपने ये कही कि इस एतबार से बतौर नतीजा अलबैतआती से मुराद यानी कुल मक्का मुराद नहीं है बल्कि बिजात मजिद हराम ही मुराद है कहा कि फलबैत अलहद तवील बिज़ाती ही मुरादुन मुरादिनफ़ से ही मकसूद ये है कि यहाँ पर अबैत लातीक से मुराद जुज कह कर के कुल मुराद नहीं लिया गया है बल्कि यहाँ पर अलबैत अल तो अलबैतलतीकबल्ला अल ही मुराद है जो तवाफ़ इफाजा से इबारत है ये मकसूद है काजी इब्न अतिया को और उन्हीं से नकल करने के बाद भले ही आपने हवाला नहीं दिए हैं उस दौर के अतबार से अबू अब्दुल्लातुबर ने भी यही बात कही है लेकिन मुझे जो इश्काल इज़ारा करना है वो ये कि इन दोनों असाब इल्म ने इस बात की नस्बत इमाम मालिक की तरफ की है कहा कि कॉलहू माहकुन फिल्म ये जो है इबारत है जी अबनआत के अलमहर्र अलमहर्रवजी से और जो है अबू कुतुबी की तफसीर से भी बहे तलब इल मैंने मुराजा किया और अल्लाह का आजीम ए एहसान है अल्लाह के फजल उकरम से जब से मैंने कल तोहदीस में पढ़ा है जहाँ तहकीकी जहन बनाया जाता है और इस पर जो है मतलब सिर्फ उभारना और तश्ीह की बात नहीं बल्कि उस पर ढाला जाता है अलहमद लाला तो मसादर और मराजे की तरफ रुजू करना और असल किताब से पढ़ना मैंने वहीं से सीखा है तो अल्लाह का अज़ीम एहसान है उसके बाद से मैं इसका अहतमाम करता हूँ जब मैंने इनकी ये इबारत देखा कि क़लाहू मालिक उन फिल्मों आता तो मैंने असल की तरफ मुराजा किया आपके पास यहाँ शायद नज़र आती होगी जो इमाम मालिक भी रिवायती हफ्समान या जिसकी तहकीक और जो है तरतीब वगैरह सब जो है यानी शेख सलीम सलीमैद हिल हाफल्ला का एक अजीम कारनामा है ये तो उसमें जल नंबर दो आप देखेंगे उसमें किताबुल हज है गौरतलब बात है काज़ी इबन आती और अबू अब्दी कुतबी रहा ने दूसरे कौल को जो है मतलब आ, 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 यानी तरजीह दी और उसकी नस्बत इमाम मालिक की तरफ दी और इमाम मालिक की तरफ नस्बत देने का मतलब यह हुआ कि गोया इमाम मालिक राम का ये मौक़ है कि वहाँ पर अलबैतलतीक से मुराद जो है क़ाबतुल्ला ही मुराद है वो यानी बज़ात मस्जिद ही मुराद है तवाफ़ एफाजा जो है असल उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है मनहर मुराद नहीं है जबकि आप देखेंगे कि इमाम मालिक रहा के अलमोत्म में किताबुल हज किताबुल हज देखेंगे तो उसमें एक मुस्तकिल बाब है बाबू हदी यानी कुर्बानी का जो जानवर है जो हाजी लेकर के जाता है उसी से मुतल या एक हाजी पर किसी तरह की वाजिबात में कोई कमी बेशी होती है जिसकी भरपाई के लिए उसे क़ुरबानी कोई को, को जानवर जुबाह करने की भी बात आती हो तो उन सभी उमूर को याजा किया गया है उस बाब में बाबू जाम हदी उसमें इमाम मालिक रहा ने यानी इस तरह की गुफ्तु करते हुए कि जो है एक हाजी जो अल्लदी जो लेकर के जाता है कर्बानी का जानवर जो लेकर के जाता है या उस पर कोई चीज़ आयद हुई हो अब उस तफसर में हम नहीं जाएंगे और उस पर जो लाजिम हो चुका है कि अभी उसे फ़िदिया देना है और जो है सो एक जानवर जबाह करना है तो कहा कि फ़ैन फ़ै इन हद इल्ला लक्लाफ़ी मक् आपने कहा कि जो ये जानवर क़ुरबान करना है उसको उसको मक्के ही में क़ुरबान करना है देखो आपने मनहर नहीं कहा जो मीना का मैदान है जो नहर में जो

बल्कि इमाम मालिक रह अपनी सनत से सईद बिन मुसैब रह का भी एक फतवा जो किसी औरत के हक हाँ में आपने जवाब लिखा जवाब दिया था तो कहा कि महलुदन महलबुदन अलबैतुलतीक कि ये जो कुर्बानी के जानवर जो जहाँ जा कर के ज़ुबाह किए जाते हैं यमु नहर यानी दस जिल्हिजा को जहाँ हजाज जुबाह करते हैं नहर करते हैं कहा कि वो कहाँ करते हैं कहा अल तो कि अलबैत लातिक तो गोया के सैद बिनुमस रम्ला का कौल अपनी सनस इमाम मालिक लाए हैं और आपने भी सराहत की है तो गोया के पहला जो कौल है जिसे हमने कल तफ़ील से बयान किया है वो इमाम मालिक र्ल का कौल हमें मिलता है और किताबल हजमान भी है जो बाब है बाबू जाम हदी और उसमें इस तरह की सराहत से मालूम होता है

आज की इस नशिश में एक और बात यह है कि बिन अब्बास रज़ी का जो मौकफ़ है इस बाब में वो जमूर अल इल्म से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है आप देखेंगे कि एक एयर की रिवायत है जो मुतफ़न आल हैं सही बुखारी की किताबुल हज में आ, किताब किताबुल किताबलमगाज़ी में आप बाबू हजतलवादा अब उस बाब के तहत देख सकते हैं और सही मुस्लिम की किताबल हज में, किताब में है वो ये है कि जो है यानी इब्न जुरैज जुराइज अब्दुल मलिक इब्न जुरैज रह मारूफ मुसर हैं इब्न जुरैज रहा कहते हैं कि हमी ही आता बिन अबी रबाह ने इस 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 बात को बयान किया है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी का यह फ़तवा था के एदाताफ़ा बिलबई थी फकद हल्ला जिसने काबतुल्ला का तवाफ़ कर लिया गोया कि वो आ, हालत अहराम से निकल चुका है हलाल हो चुका है वो यानी इदा तोफ़ा बिलबई थी यह आपका था अब्दुल्ला बिन अब्बास का लेकिन गौर तलब बात यह है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अनुमा से जब आता बिन नबी रबाह ने पूछा कि कहाँ से इस किया है आपने कैसे ये बात मालूम हुई आपको तो आपने एक आयत करीमा पेश किया और अल्लाह के रसूल की सीरत से एक हिस्सा पेश किया यानी हादिस मुबारक से एक बात पेश किया आपने कहा कि आयत करीमा तो ये है कि लकुम्फिया व लखुमफिया मनाफिया महिला ततीक़ यानी अहलालम एक हाजी हो या महतमिर उम्रा करने वाला हालत अहराम से वह उस वक्त निकलेगा जब वो तवाफ़ कर ले तवाफ कर लिया बात हो गई कतई नजर इसके कि उस मरवा के सही की हो ना की हो होल किया हो तखसीर की हो ना की हो किसी तौर पर भी वो उससे जो है हालत एहराम से निकल जाएगा क़रीमा आपने पढ़ी और फिर और कहा कि वमिन अमरन नबी सबूहफ़ी हजर उलवा हजतल के मौके पर रसोल साहबा से कहा कि तवाफ़ कर लेने के बाद आप जो है मतलब हालत अहराम से आप, आप निकल जाती हैं आप आम लिबा से मलबूस हो जाती हैं दीगर बहुत सारी तसीलहत जो है एक हाजी के लिए हो जाती हैं ऐसे में जब बिन अब्बास से कहा गया इब्न जुरज रहमाला कहते हैं कि बिन अब्बास का यह मौक़ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने सल्ह अलमुर्रफ़ यानी अल्म्रफ कहते हैं वूफ़ अरफा को वूफ़ अरफा के बाद ना अला के रसूल साहबा को हुक्म दिया वुफ़ अरफा से अरफा से पहले से तो पहले तो हुक्म नहीं दिया ना तो अताबिन नबी रबा ने कहा कि नहीं नहीं इब्न अब्बास का ऐसा मामला है कि राहू कब्लग चाहे वो वफ़ अरफा से पहले हो या वुफ़ अरफा के बाद हो अगर एक हाजी या आ, हाजी मतमर भी उसके अपने जो अरकान हैं उस एतबार से तवाफ़ कर लिया बस वो जो है मतलब हालत अहराम से निकल चुका है वो वो जो है सफ़ा मरवा की सई की हो ना की हो लेकिन ये जमहूर अहल इल्म का जो नुक़ नज़र है जो मौक़ है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है यह और बात है कि कुछ असाब इल्म ने इसको जो है अ, 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 अपनाया है इसकन राहब रहा का जो है नाम मुझे पढ़ने को मिला कि आपका भी यही मौक़ था मुझे जो 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 दायतुल शे, शेख अहमद अब्दुल हाफिजा आ, जो उर्दू शारे हैं उसमें मुझे ये बात मिली है दीगर जगहों पर तो मुझे ये बात जो है पढ़ने को नहीं मिली बहरहाल कहने का मकसद यह है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास का एक मौक़ था जिसे मैंने तफसीर के हद तक इस बात को बयान कर दिया है इसलिए कि इस आयात करीमा की तफसीर में इल्म ने अब्दुल्ला बिन अब्बास का इस मौकफ़ को भी जिक्र किए हैं आज की इस तफसीर में आखिरी बात आज की इस नशिस्त में आखिरी बात वो ये है कि इस आयत करीमा से एक इस्तेदलाल किया है शेखुल इस्लाम उम अब्न रहा ने इस्लाम उम इबर रहा ने मजमु अलफा में ये बात है कि वकुमफियात यहाँ तक तो बात हो चुकी है लेकिन अलबैद की जो सिफ़त अतीक से आई है उस सिलसिले में अतीी का माना क्या है मैंने तो कुछ नशिशत पहले तफस से जिक्र कर दिया है लेकिन आज अतीक का माना जो हो जो बताना है वो ये जो शेख उमी लतम रहा ने इसलाल किया आपने कहा कि अलतीक अफ़लोमिनजदीद कि कोई भी मस्जिद किसी जगह में किसी भी जगह में कोई मस्जिद बनी हुई है अगर वो मस्जिद पुरानी है तो वो अफजल है बनस्बत एक जदीद मस्जिद की यानी एक, एक इलाक़ा है हमारा ये मोहल्ला है एक मस्जिद बनी हुई है इसके साथ साथ एक और मस्जिद की तामीर हो रही है तो, आ, तो कहा कि अतीक़ व अफ़लो मिनल जदीद ये जो पुरानी मस्जिद है वो जदीद मस्जिद से अफज़ल है इसकी कई वजूहत आपने बताई एक वजह आपने ये बताई कहा कि जो है अतीक अबाद अब अबाद आयून अबारन अल खाफुफी एक वजह आपने ये बताई कि जो अतीक है जो मस्जिद आतीक है मस्जिद आतीक से मोरद कदीम मस्जिद किसी इलाके की वो बनस्बत जो जदीद मस्जिद है उसके मुकाबले में ये मस्जिद ज़रार की शक्ल इख्तियार करने में दूर है यानी एक मस्जिद बनी हुई है मस्जिद आतीक आ, किसी मरल में एक मस्जिद बनी हुई है उसके बाद उसी मोहल्ले में एक और मस्जिद बन रही है इस मस्जिद से मुतल ख़दशा हो सकता है कि जो है ये मस्जिद जो है मतलब किसी के मुकाबिल बन रही है अहले इस्लाम के ताल्लुक से हो सकता है साजिश के तौर पर बन रही हो या उनके मुकाबिल बन रही हो या किसी से लड़ झगड़ने के बाद बन रही हो या कोई और भी वजह हो सकती है ये ये इब्न तैम्ह की एक आम बात है इसको हर जगह पर हमारी इस तफसीर को सुनने के बाद या शेख निसम का कोई कौल पढ़ लेने के बाद जो ही जहाँ भी इस तरह का मामला हो हुआ हो कि इस मोहल्ले में ये मस्जिद थी इसके बाद ये मस्जिद बनी है तो इस मस्जिद से मतलब ख़दशा हो सकता है कि ये मस्जिद ज़रार हो सकती है बहरहाल ये मस्जिद तो नहीं हो सकती तदबीख देना ये ये एक तरह का किताबुल्लाह के साथ खिलवाड़ हो जाएगा ये सोएफ़हम है ये गलती गलती हो जाएगी बात एक आम बात है ये किसी जगह पर जो है मतलब तदबीक देने की हो तो फिर अलग ही मामला हो जाता है तो शेख उसीमरतमर हमला ने कहा कि अल अतीीख़ जो मस्जिद खबा है मस्जिद नबवी है तो कहा कि अतीक़ अफजल है जदीद से इसलिए कि जो अल अतीीक़ है अब आदो बुनिया वरारम के मस्जिद जरार जो बाद में जो जो तकरीबन नौ हिजरी को बनाई गई और मुसलमानों के अंदर जो है मतलब तफरका डालने के लिए और भी उसके जो है मतलब उनकी वो जो हाथी बनाने के जो बहुत ही गलत थे तो कहा कि वो जो ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं जो एक कदीम मस्जिद है उसके साथ ये जुड़ ने जुड़ना जो है इसका एक तरह से है, दूर का मामला है आसान नहीं है जो कदीम मस्जिद है जो पहले से बनी हुई है एक वजह आपने यह बताई दूसरी वजह आपने यह बताई कि जो आ, कदीम मस्जिद है किसी भी इलाके की किसी भी मोहल्ले की कहातीकमा <coughs> कहा भी <के, coughs> जो भी जिस इलाक़े की जो कदीम मस्जिद है यकीनन अल्लाह ने उसकी एक तारीफ़ की है उसके लिए एक हमद की बात है उसके लिए एक ख़ूबी की बात है इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तो ये कहा कि काबतल का जिक्र करते हुए वाल्मा मुनाफ़ इलाज मुसम इला माहबैत लाति और कहा कि इमरान में अव्वल नास लिल्लजी मालनाजीबक़त मुबारकन वह आमी देखिए इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मस्जिद की जो अवलियत वाली बात है क़दीम है अतीक है तो ये एक तरह की एक ये भी एक तरह की उसके हक़ हाँ में तारीफ़ की बात है ये भी उसके लिए एक, एक ख़ूबी की बात है तो जिस इलाके में भी जो मस्जिद एक अरसे से है ज़माने से चली आ रही है यकीनन जो है वो एक तरह से अपने अंदर एक ख़ूबी रखती है एक दूसरी वजह है एक तीसरी बात जो इब्न इबनिया ने कही ये भी बहुत ही ख़ूब बात है शेख उतम ने, ने कहा कि फ़ैन नक़ीदा मक़ तोगी कसरतलबादा इसलिए कि किसी इलाके में एक मस्जिद है जो ज़माने से बनी हुई है इसका मतलब ये है कि उसमें इबादत भी तो ज़्यादा हुई है लोग ज़माने से नमाज पढ़ते आ रहे हैं एक मस्जिद दस साल से बनी हुई है एक मस्जिद आज बनी है आज जो लोग उसमें नमाज पढ़ रहे हैं बहरहाल ठीक है भले ही मस्जिद वो बड़ी हो लोगों की कसरत हो लेकिन इसमें जो अहले इस्लाम की कसरत हुई है आने जाने की पंच वक्त नमाजों की दीगर जो रमज़ान में तरावी की नमाज़ है या फिर जो, जो है दीगर जो नमाज़ें होती हैं लोगों की नवाफिल पढ़ने वाली बातें कुरान मजिद तिलावत है ज़िक्र अस्कार है वग़ैरह वगैरह बिज़ात नमाज़ की भी अगर बात करती हैं या फिर इबादत का जो मतलब दीगर जो हिस्से हैं जो मस्जिद से जुड़े हुए रहते हैं तो कहा कि इससे मतलब एक दस साल का अरसा निकला है ना उस पर तो जदीद के मुकाबले में कदीम मस्जिद इस एतबार से भी जो है अपने अंदर फजीलत रखती है ये बात जो है इस आयत करीमा से इसलाल करते हुए एक तरह के जो है तदबर के अपने रहा गोया कि और आपने ये इस्तेलाल किया है बहरहाल मैं इस नशत को ख़त्म करता हूँ इस नशत से मुतल एक और बात थी जो वक्त की आ, मतलब वक्त काफ़ी तवील हो गया है आने वाली नशिश में रखूँगा इल्मलबलागा की जहत से एक बिल्कुल एक अहम बात है जिसे मैं ज़िक्र करूँगा इन भले ही इस आयद करीमा से मुतल है लेकिन कुरान मजीद में जगह जगह उसको पढ़ने को मिलेगा सुनने को मिलेगा आप लोगों को तो इनशाला मैं उसकी नशानदाही कर देता हूँ आने वाली नशत में अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह ती हमारी इस नशत को हमारे इस हमारे वालदेन हमारे कुल महाविन मुशाह हमारी अहलिया के लिए और जो है आ, हमारे फर्जंदान के लिए हमारे मुआन खास शेख शुय मोहम्मद पूरी तरतीब देकर के अभी गए यहाँ से और हमारे फर्ज जो अलहदल्लाकम्मल अपनी वालिदा के साथ लग करके ये सारी चीज़ों को तरतीब देते हैं और बहुसनों को भी अंजाम देते हैं अल्लाह तिल में नाफ़ियात फरम इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए इनके हसन में शुमार फरमाए الله رب العالمين عملي في خدمتك وقبول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك